दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी वीडियो, आज की है वीडियो मेरी, वह है एक मोटिवेशन के बारे में है। हर एक इंसान के अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे आप। और यदि आपके अंदर ऐसे हमारे छात्र भी हैं, हमारे समाज में व्यक्ति भी हैं ढेर सारे, जो बात बात पर चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, परेशान होते हैं, यदि इस तरह की क्वालिटी आपके अंदर हैं तो आप निश्चित मानिए कि आप लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे। यदि आपके अंदर धैर्य है यानी पेशेंस है तो आप निश्चित मानिए कि सफलता आपके पैर चूमेगी आपके, और आप धैर्य के सहारे आप नीचे से ऊपर तक पहुंच जाओगे। आप, मैं बताता हूं, एक अमेरिका के महान एक मोटिवेटर हुए हमारे, उन्होंने एक नाम है स्टेट मार्टन, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है, वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये स्टोरी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। ये इंग्लैंड में एक शहर है, आपने सुना होगा मैनचेस्टर। एक्चुअली मैनचेस्टर जो शहर है वो टेक्सटाइल का हब है, यानी कपड़े का व्यापार का हब है। वो सबसे ज़्यादा वो पूरी दुनिया के अंदर वो माना जाता है। तो वहाँ पर एक व्यापारी था, उसका व्यापार बहुत काफ़ी एरिया में फैला हुआ था और बड़े लार्ज स्केल पर था, जैसे हमारे आप कह सकते हो आप रिलायंस है या टाटा इस तरह से। तो वहाँ पर वो व्यापारी का व्यापार काफ़ी फैल गया, तो उसने सोचा कि मैं अपने व्यापार को अब मैनचेस्टर से निकाल करके बाहर ले जाऊँ। तो उसका जो उद्देश्य था वो था अपने व्यापार को लंदन में ले आने का। उसने सोचा मैं लंदन में अपने व्यापार के अपनी कंपनी की शाखा दूँ, ब्रांच दूँ, तो किसको दूँ मैं। तो इसके दिमाग में एक उलझन थी ये, तो उसे ऐसे व्यक्ति तलाश थी जो उसके व्यापार को और आगे बढ़ा सके। उसने जानकारी ली, पूछा कि भाई लंदन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सके। तो एक व्यक्ति ने बताया कि हाँ, लंदन में एक व्यापारी है, कपड़े का व्यापार करता है वो। उसकी दुकान तो छोटी है पर ग्राहक बहुत आते हैं उसके पास, पता नहीं क्या बात है। तो उन्होंने कहा उस व्यापारी ने, भाई ठीक है, मुझे इससे मिलवाइए, मैं मिलूँगा, बात करूँगा, मैं देखता हूँ क्या क्या उसके अंदर क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है। तो वो गया, जब गया तो उसने जैसे ही उसकी दुकान पर कदम रखा, देखा वहाँ काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, लाइन से बैठे हुए थे सिस्टम से। एक्चुअली जो भी वहाँ कस्टमर आता था तो वो दुकानदार जो लंदन वाला, तो वो टोकन देता था, टोकन दे के उनको बैठाता था और हर एक को उनके कपड़ा उनको देता था। एक्चुअली उसको इतना अनुभव हो गया था रिगार्डिंग कपड़े के बारे में, तो जो आते थे ग्राहक वो उनकी पहचान बताता था, तो उसके आधार पर समझ जाता था उनके इसको कपड़ा किस प्रकार चाहिए, उसी प्रकार कपड़ा निकाल देता था वो। जब वो मैनचेस्टर का व्यापारी पहुंचा उसके पास, उसने कहा भाई साहब आइए, स्वागत है आपका। उनको टोकन दे दिया, कहा भाई साहब 2 मिनट की बात है बस, अभी आपका नंबर लूँगा मैं। जब उसने कहा मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप पहले आपके जो और कस्टमर हैं आपने इनकी समस्याएं जो भी डिमांड है इनकी हल कीजिए, मैं आराम से करूँगा बात। तो वो देखता रहा, तो वो क्यों उसके पास ग्राहक बैठे हुए थे वो बोर ना हो जाएं, तो वो व्यापारी जो था लंदन वाला उनसे बीच में उनसे राजखुशी, हाय हेलो दुआ सलाम, भाई साहब पानी पियोगे, भाई साहब 2 मिनट की बात बस, अभी आपका नंबर आने वाला है। तो उनसे एक तरह से एक उनको बोर नहीं होने दे रहा था वो, तो अपना व्यापार को बड़ी तेजी से और फुर्ती से कर रहा था, और सभी ग्राहक आराम से बैठे हुए थे, संतुष्टि थी। उसका नंबर आया, अब देखिए यहाँ से मैनचेस्टर से जो आया हुआ था, अब वो दिखा था बहुत ध्यान से, उसे तो एक चाहिए था जो उसकी ब्रांच को संभाल सके, उसके व्यापार को और आग बढ़ाए, लंदन तक फैलाए। तो उसने कहा कि भाई मुझे ये कपड़ा निकालिए, थे मुझे इस तरह से चाहिए कपड़ा। बताया थान निकाला, कि नहीं, और निकाली थान, फिर निकाला दूसरा थान, फिर और निकाली एक और थान। इस प्रकार उसने कह कह कर उसके करीब 20-25 थान निकलवा लिए। आखिरकार उसे एक थान पसंद आ गया, उसने कहा भाई इसे निकालो आप, उसने निकाल दिया। तो उसने कहा बताइए भाई साहब क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी मैं। उसने कहा इसका रेट क्या है, तो उसने कहा सर 40 रुपये मीटर। तो उसने पूछा मैनचेस्टर वाले ने कि आधे मीटर क्या रेट होगा, कह वही भाई साहब 20 रुपये, कहे चौथाई मीटर रेट क्या होगा, कहे 10 रुपये। तो एक काम करो मुझे चौथाई मीटर निकाल दो आप। तो उसने हंसी हंसी आराम से बिना माथे पे सेकंड लिए, बिना टेंशन के, बिना गुस्सा हुए, उसने चौथाई मीटर काट दिया और 10 रुपये उसने दे दिए और रख लिए। अब वो वहाँ से लेके चला, उसने सोचा मैनचेस्टर वाले ने कि अब ये मेरे पीछे बड़बड़ाएगा, इतना नुकसान करवा दिया, ये करवा दिया, इतना वो 10 रुपये का कपड़ा लेके गया है, इतना मेरे पे मेहनत करवा दी। तो उसके दिमाग में विचार था, तो उसने धीमे धीमे उसकी दुकान से निकला वो, तो वो पीछे बार बार मुड़कर देख रहा था ये क्या करता है, हरकत क्या है।
तो वो लंदन वाला व्यापारी उन थानों को आराम से लगाना सिस्टम शुरू किया और गाना गुनगुनाता रहा मन मन में मस्ती के, आराम से फ्रेश माइंड से अपने कपड़े थानों को दोबारा लगाया और प्रॉपर प्लेस पे से रख दिए। वो आया लौट करके, जब जैसे ही वो कपड़ा लेके जा रहा था चौथाई मीटर, तो उसने कहा लंदन वाले व्यापारी ने, भाई साहब आपकी दुकान है, आते आते रहिए, आपका वेलकम है। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा उसे, तो आगे गया लौट के फिर आया वो, भाई ऐसा है मैं मैनचेस्टर का व्यापारी हूँ और मेरा व्यापार बहुत बड़ा है, मुझे तुम जैसे व्यापारी तलाश थी कि मुझे मिल गया अपना टारगेट, तो आप लंदन में मेरी जो है बड़ी कंपनी उसकी ब्रांच आप संभालिए और आपके शेयर उसमें रहेंगे और आप जितनी भी लंदन में व्यापार करोगे दुकान खोलोगे उसके आप वो रहोगे मैनेजर रहोगे। तो उसने उसको अपने उसका कंपनी में शेयर दिए और लंदन का उसको काम अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया। अब बात जो मैं कह रहा था बात निकल के आती है कि यदि वो धैर्य खो देता, चिचड़ाता, कहते इसने 25 थान निकलवा दिए, चौथाई मीटर कपड़ा लेके गया 10 रुपये का, तमाम ख़राब कर दिया इसने, ये है वो है, तो क्या उसको ये ऊंचाई पहुंचता? नहीं पहुंच पाता वो, तो किससे पहुंचा वो ऊंचाई तक? वो एक कंपनी में शेयर लिए, पूरे लंदन का उसकी फ्रेंचाइज का मालिक बना, वो मैनेजर बना उसका, तो किससे? धैर्य से। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप समझिए, आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना, चिड़चिड़ाना, ये परेशान होना, ये हॉपलेस होना आप छोड़ दीजिए। आप हर कोई समस्या आती है, कोई बात आती है, मुस्कुरा कर कीजिए, हंस के कीजिए और धैर्य के साथ कीजिए। तो मैंने जो बताई है कि धैर्य हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं कि लाइफ में धैर्य का होना जरूरी है या नहीं है, पेशेंस का मतलब होना जरूरी है नहीं है। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें कि भाई हमें बातों छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होना, हमें धैर्य रखना है, हमें पता नहीं कब कौन कहाँ कैसा इंसान मिल जाए हमें और हमारा जीवन भी में एक लॉटरी खुल जाए हमारी भी। जय हिंद, जय भारत।